नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात लाल सागर की करेंगे, बात आज ईरान की करेंगे कि क्या ईरान को चारों तरफ से घेरने का प्लान अमेरिका और नाटो के देश कर चुके हैं। क्या जिस प्रकार से अमेरिका ने इराक और सीरिया पर हमला किया ईरानी ठिकानों पर, वो इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में ईरान वर्सेस अमेरिका हो सकता है। क्या जिस प्रकार से 24 घंटे पहले अमेरिका ने हुती के ऊपर यमन में हमला किया, क्या वो इस बात का संकेत है कि अब अगला निशाना अमेरिका का ईरान है। जिस प्रकार से अमेरिका ने 20 देशों का अलायंस बनाकर ईरान के आसपास एक मजबूत पकड़ बनाई है, क्या वो ये बताने के लिए काफी है कि अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग हो सकती है। इसको समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका की मौजूदगी लगातार ईरान के चारों तरफ बढ़ रही है, उससे यही संकेत है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा लाल सागर या तेहरान में हो सकता है। उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मालदीव को लेकर भी बात करना जरूरी है। भारत और मालदीव के रिश्ते जहां उफान पर है, तनाव में, काफी ज्यादा तनाव है, उसी बीच मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारत हमारे मछुआरों को परेशान कर रहा है। इसको भी समझेंगे। और क्या वाकई में जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइजू, वो अपनी भाषा बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उनके डिप्टी शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी जेल में है, तो क्या बिना इमरान बिना कप्तान चुनाव लड़ेगा पाकिस्तान? और क्यों अमेरिका को कहना पड़ा कि अभी अमेरिका के नागरिक पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि चुनावों के अंदर या चुनावों के दौरान पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है, उसको भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगा अमेरिका, बड़ी खबर आपको बता दें। इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला, हुती ठिकानों पर अमेरिका ब्रिटेन का भी हमला, लाल सागर में बढ़ता जा रहा है सैन्य जमावड़ा। ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगा अमेरिका, इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला, हुती ठिकानों पर अमेरिका ब्रिटेन ने भी हमला किया, लाल सागर में बढ़ता जा रहा है सैन्य जमावड़ा। ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगा अमेरिका, इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला, हुती ठिकानों पर अमेरिका ब्रिटेन का हमला, लाल सागर में बढ़ता जा रहा है सैन्य जमावड़ा। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। लाल सागर में सैन्य जमावड़ा, अमेरिका के साथ 20 देश जो इस वक्त रेड सी में लगातार गश्त कर रहे हैं। कहना तो यह है कि हुती का मुकाबला मकसद है। चीन पाक ने भी अपने युद्धपोत भेजे हैं, भारत के 3 युद्धपोत भी इस जगह पर मौजूद हैं। यह समझना होगा, लाल सागर में सैन्य जमावड़ा हो रहा है, निशाने पर हुती और ईरान है, सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक अमेरिका कर चुका है, यमन पर भी एयर स्ट्राइक अमेरिका ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। ईरान के 18 मिलिशिया मारे गए थे लाल सागर से, हुती ठिकानों पर लगातार अमेरिका के हमले जारी हैं, ब्रिटेन अमेरिका यमन पर दाग रहे हैं रॉकेट, ईरान के इशारों पर नाचता है हुती, बाइडेन का संकेत अब और होंगे हमले, लाल सागर क्या जंग का मैदान बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ईरान को लगता है, या अगर आपको लगता है कि अमेरिका 7 समुंदर दूर है, ईरान से कैसे लड़ेगा, तो एक मैप मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे चर्चा की शुरुआत हम करते हैं।
ये अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ओमान की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी की बात करें, पाकिस्तान का नूर जहां बेस जो है वहां से भी अमेरिका अपनी ड्रोन स्ट्राइक करता है। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि जो ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक हुए थे, पाकिस्तान ने जो किए, जो कुछ पाकिस्तान और ईरान के बीच हो रहा है उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। तो यह हमें समझना होगा, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बीच में ईरान, और इन तमाम जगहों पर अमेरिका की मौजूदगी है। पांचवा बेड़ा जो है अमेरिका का, वो लगातार यहीं पर गश्त करता रहता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में अगला निशाना अमेरिका का ईरान होने वाला है, और ईरान तो कहता है कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। समझना होगा इसको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। यही समझाने के लिए तीन खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। कर्नल एसएस पठानिया जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले अनुपम तिवारी एयरफोर्स ऑफिसर जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, जय हिंद सर, आपको भी शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, जय हिंद। जय हिंद, शुक्रिया डॉक्टर राम, थैंक यू। कर्नल एसएस पठानिया, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। बहुत कुछ इस वक्त कहें तो ईरान के आसपास हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने सीरिया में, इराक में अटैक किया, अपनी जवानों की शहादत का बदला लिया, और उसके बाद आज खबर आती है कि यमन के ऊपर भी अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर से प्रहार किया है। लगातार शिकंजा ईरान के ऊपर कसने की तैयारी, किस प्रकार से मौजूदा हालात जो कि मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं उन्हें देखेंगे आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, शायद अनम्यूट करिएगा, आपका हो सकता है ऑडियो म्यूट हो। जी कर्नल पठानिया, चलिए मैं आपके पास आता हूं सर। अनुपम जी आपके पास ही आऊंगा सेम सवाल के साथ, क्या मौजूदा हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका वर्सेस ईरान होने वाला है? देखिए राजेश जी, फिलहाल अमेरिका की जो पूरी जो नजर है वो अमेरिका विरोधी तत्वों के ऊपर है। डायरेक्ट ईरान पर हमला करना अभी तक बाइडेन प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी दिखावा नहीं आया है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके। हूती के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इस्लामिक मिलिशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो ईरानी बैकअप से आए हैं, तमाम जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, जो भी आतंकवादी संगठन है जिनको की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान की आर्मी का संरक्षण प्राप्त है, उन सब के ऊपर तो अटैक कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करने से जो बाइडेन का प्रशासन अभी बच रहा है, और उसके साफ साफ संकेत यही दिख रहे हैं कि चूंकि एक ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का मतलब है एक बड़ी जंग में अमेरिका का इन्वॉल्व हो जाना। तो अमेरिका इस साल चुनाव का वर्ष है, अमेरिका कोशिश करेगा कि वहां पर फिलहाल रिसोर्सेस ना भेजा हो जाए अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर। तो सिर्फ उन्हीं ठिकानों के ऊपर हमला करा जा रहा है जहां पर अमेरिका के व्यापारिक और सामरिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आप हूती की बात कर रहे हैं, हूती के ऊपर लगातार अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश हमलावर हैं, तमाम ठिकानों के ऊपर बमबारी करी जा रही है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। इसके पहले अभी दो दिन पहले ही सीरिया के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला हुआ था, इराक के अंदर अमेरिका ने कुछ ठिकानों पर हमला किया था, वो वही सब ठिकाने थे जहां पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पाले पोसे हुए आतंकवादी छुपे हो सकते थे, उनके 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 संगठन के हेडक्वार्टर्स थे, उनके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे हुए। तो अमेरिका बहुत ही चुन चुन करके प्रेसिजन स्ट्राइक कर रहा है, और ये दुनिया में दिखाना चाहता है कि वो फिलहाल ईरान से भी नहीं लड़ना चाहता है,
वो युद्ध को बचाना चाहता है लेकिन अपने व्यापारिक और सामरिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। तो बाइडेन प्रशासन तो यही दिखा रहा है, लेकिन आगे हालात क्या बनते हैं ये ईरान की रिटेलिएशन के ऊपर निर्भर करेगा। और ये दरवाजा अमेरिका ने फिलहाल ओपन रखा है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, ईरान की तरफ से कोई गलत कदम उठता है, तो अमेरिका उसका जवाब देने के बाद हो जाएगा और फिर अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। तो जैसा आपने कहा था कि ये एक बड़े वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती है, तो निश्चित रूप से बन सकती है, लेकिन फिलहाल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ने ईरान के ऊपर छोड़ दी है। आवाज आ रही है आप तक सर? कर्नल एसएस पठानिया, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए कर्नल एसएस पठानिया, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर राम आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस वक्त एक चिंगारी की जरूरत है? जैसा अनुपम जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि अगर इस वक्त जिस प्रकार से अमेरिका ने अटैक किया, बदला लिया, अब ईरान अगर कुछ कार्रवाई करता है तो शायद फिर एक भीषण घमासान हो सकता है, लेकिन दोनों देश चाहते हैं कि बचे, लेकिन मौजूदा हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि चाहे वो हुती के जरिए हो या फिर वो इराक सीरिया की एयर स्ट्राइक के जरिए हो, दोनों आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राम, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और अनुपम जी का जो विश्लेषण है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि अमेरिका में जो फिलहाल चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, उसके पहले मैं नहीं समझता कि किसी तरह का सीधा युद्ध होगा। हाँ, ये जरूर है अपनी इज्जत बचाने के लिए, और दूसरा उनकी मजबूरी का कारण है कि जो लाल सागर में, रेड सी में इस समय हुती आतंकवादियों ने जो हमले किए हैं, अभी तक उन्होंने 27 जो व्यापारिक जहाज हैं उन पर हमले किए हैं, और उसका जो खामियाना है पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, विशेषकर यूरोप के देशों के लिए, क्योंकि सुएज कैनाल से इस समय ट्रैफिकिंग हो नहीं रहा है, एनर्जी की आवश्यकता है, 5% 5 गुना ज्यादा जो है ऑयल की कीमत यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ चुकी है, क्योंकि लंबा रास्ता लेना पड़ता है और 10 दिन ज्यादा यूरोपियन मार्केट की बड़ी गड़बड़ हो रही है हुतियों के इस हमले के कारण। तो इनके लिए मजबूरी है हुतियों को चुप करना, और हुतियों पर इस समय तक अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर जो हमले किए हैं वो लगभग 16 शहरों पर उन्होंने बमबारी की है, और 60 टारगेटेड जो निशाने हैं जी, जहां से हमला होने की संभावना थी उनको निशाना बनाया है। लेकिन ईरान ने जो इस तरह से इनको मदद दी है तकनीकी दृष्टि से, हथियारों की मदद से, ठीक उसी तरह से मदद की है जैसे हमास के आतंकवादियों की है। देखिए, इतने दिन हो गए हमास के आतंकवादी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए जी, पूरी की पूरी गाजा पट्टा इस समय पट्टी पूरी की पूरी एक तरह से जमींदोज होती नजर आती है सैटेलाइट से देखने पर। इसके बावजूद भी हमास का अस्तित्व है, क्यों? कि ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि सुरंगें बना दी हैं, उनके पास सेंसिटिव हथियार हैं, जैसे ही अनुमति करते हैं तो देखिएगा, इतना तो आसान नहीं है कि यमन के हुतियों को यानी वहां के आतंकवादियों के संगठन को एक झटके में साफ कर दिया जाए, और वो जब तक साफ नहीं होंगे जब तक ईरान को कब्जे में ना लिखा जाए। और ईरान के लिए जो सबसे ससेप्टिबल चीज राजेश जी आज की तारीख में है, वो उसने 6 नए परमाणु भट्टियां बनाना शुरू कर दिया है। तो ये आप निश्चित मानिएगा, वो 6 परमाणु भट्टियां बनने के पहले, उनको ऑपरेशन कमीशन होने के पहले ईरान पर हमला करना यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को और विश्व में मानवता की रक्षा करने के लिए वो आवश्यक है। और ये समय इसलिए भी आवश्यक नजर आता है कि रूस की हालत इस समय बिल्कुल एक संकुचित देश के रूप में रह गई है। वहां की जो परेशानी है, 710 दिन हो चुके हैं यूक्रेन के युद्ध में, उनका आर्सेनल पूरा का पूरा लगभग खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से लीबिया को सफाया कर दिया गया, जिस तरह इजिप्ट में जो है एक तरह से सत्ता परिवर्तन करके सब कुछ कर दिया गया, जिस तरह से इराक में सबने देखा ही है क्या कुछ हुआ। लेकिन आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी जब आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की मुझे वो बात याद आ गई, लेकिन उम्मीद है कि ईरान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊँगा। अनुपम जी, जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक ईरान मौजूद है तब तक हिजबुल्ला भी है,
तब तक हमास भी है, तब तक हुती भी है। और क्या अमेरिका और यूरोप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अगर गल्फ स्टेट में बिजनेस को चलाना है, जो मालवाहक जहाज है उनकी आवाजाही स्वतंत्र तरीके से करनी है, तो फिर ईरान के ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हुती पे आप प्रहार करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ईरान पे प्रहार होगा तो फिर हुती भी खत्म होगा, हिजबुल्ला भी खत्म होगा, हमास भी खत्म होगा। लेकिन एक चीज ये भी समझ आई राजेश जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, ईरान का ही बैकअप है तमाम इस्लामिक मिलिशिया को, तमाम शिया मिश्रित मिलिशिया को, जो कि मिडिल ईस्ट में और तमाम अलग अलग देशों के थ्रू जंग लड़ रहे हैं। तो उन सारी मिलिशिया को खत्म करने से पहले हम ईरान की बैकबोन ही तोड़ दें, मुझे लग रहा आप यही कहना चाह रहे थे, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज को यही करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप आतंकवादी संगठनों के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, आप हमास के साथ, हुती के साथ, हिजबुल्ला के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ईरान से लड़ाई का मतलब होता है पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देना, और ईरान तो यही चाहता है, क्योंकि ईरान अपना सिग्निफिकेंस ढूंढ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। सिग्निफिकेंस वो सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं ढूंढ रहा है, वो रणनीतिक तौर पर भी ढूंढ रहा है, धार्मिक लीडर भी बनना चाहता है मिडिल ईस्ट का, और इस्लामिक मुल्कों को अपने पीछे लामबंद करना चाहता है। एक बड़ी महत्वाकांक्षा पाली है ईरान ने, और इसके लिए वो वेस्टर्न पावर के साथ सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ रहा है। तो एक सोचा समझा खेल है जो ईरान की तरफ से चला जा रहा है, और अमेरिका हो या कोई भी वेस्टर्न पावर हो, इन सब के लिए दो चीजें फायदेमंद रहती हैं। जब भी पूरा वर्ल्ड बाइपोलर होता है तो इनको फायदा मिलता है, व्यापारिक फायदा मिलता है उनके, उनको ये हमेशा महसूस होता है कि उनके खिलाफ एक गुट तैयार रहना चाहिए जिससे दुनिया दो टुकड़ों में बटी रहे और वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सके। और ये आज से नहीं, पिछले 50 सालों से करते आए हैं। ईरान के रूप में उनको यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी एक ऐसा पोजीशन मिल गया है जिसका डर दिखा करके वो अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं, अपने अपने हथियार भी बेच सकते हैं, अपने और ज्यादा सामरिक हितों को बढ़ा सकते हैं। तो वो ईरान का रहना अमेरिका और सुपर पावर्स के लिए इस लिहाज से जरूरी है कि एक खलनायक होता है तभी हीरो की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आती है। अमेरिका अपने आप को हीरो समझता है और वो हीरो उसके लिए खलनायक किसी को भी बनाना पड़ जाए, कभी लीबिया बन जाता है, कभी इराक बन जाता है। लेकिन जो चीज मुझे समझनी चाहिए यहाँ पे और मेरे दर्शकों को समझनी चाहिए कि अगर ईरान के ऊपर अनुपम जी कंट्रोल यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो जिस प्रकार से हुती अटैक कर रहे हैं रेड सी में, स्वेज कैनाल से जो जहाज आ रहे हैं, जिस प्रकार से उन पे हमला हो रहा है, तमाम तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पूरा सब कुछ जो सिस्टम है गड़बड़ा जाएगा सर। और अगर हुती पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप ईरान के ऊपर कंट्रोल करेंगे। देखिए राजेश जी, हुती क्या कह रहा है, हुती कह रहा है कि वो हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि इजराइल फलस्तीन वार की आड़ में हुती अपना खेल खेल रहा है, और वो समझ रहा है कि दुनिया भर में काफी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ईरान के साथ मिलकर के उसका समर्थन भी करेंगी। तो एक ये बड़ा गेम है और इस गेम को समझने की आवश्यकता है। ईरान के साथ सीधे लड़ाई लड़ने का मतलब है, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, व्यापारिक मार्ग बढ़ जाएंगे, तो वो अगर युद्ध होता है तो उस कंडीशन में और ज्यादा विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, काफी ज्यादा व्यापारिक नुकसान, तेल की कीमतें तब बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो अमेरिका इस बात को समझता है, तभी मैं कहता हूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है, ऐसी सुपर पावर जो सबसे पहले अपने हित को देखती है, और उसका हित मिडिल ईस्ट में, उसकी सिग्निफिकेंस मिडिल ईस्ट में तब तक है जब तक ईरान के साथ उसकी लड़ाई चलती रहती है, और ये लड़ाई डायरेक्ट ना होकर के प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ी जाती है। तो ये चीज समझने वाली है कि अमेरिका यहां पर भी अपने ही व्यापारिक हितों को साध रहा है, वो हुतीस को कंट्रोल कर सकता है, वो हिजबुल्ला कर सकता है, इवन वो ईरान कर सकता है, लेकिन ईरान का युद्ध नहीं लड़ेगा, ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर आना होगा, और अमेरिका फिलहाल बातचीत की टेबल पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, और शायद इसके पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव है जो इस साल के आखिरी में होगा। ठीक है, कर्नल एसएस पठानिया सर, आवाज आ रही है आप तक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? या मैं सुन पा रहा हूँ आपके, आपको आ रही है? जी जी, चलिए शुक्रिया, आपकी आवाज तो सुनने को मिली मुझे और मेरे दर्शकों को, आई सर आपकी आवाज। दो तीन पॉइंट थे कर्नल पठानिया, जिस प्रकार से लाल सागर के अंदर, रेड सी के अंदर बहुत सैन्य जमावड़ा हो गया है, यह कोई मामूली चीज नहीं है कि 20 देशों का एक अलायंस है, उसके बाद चीन अपनी नेवी लेकर वहां पे पहुंच गया है, कई युद्धपोत उसने भेज दिए हैं, भारत की तरफ से भी अपने युद्धपोत भेजे गए हैं, वहां पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को उतार दिया है। तो ये कोई, अगर हम ये माने कि यह सामान्य चीज हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यह सामान्य चीज है, कुछ तो है
कि जहां पर इतना बारूद एक साथ रहेगा वहां पर एक चिंगारी लगने की ही तो देर है। पठानिया, कर्नल पठानिया साहब, देखिए राजेश जी, जो असामान्य चीज हो रही है कि चाइना जो है वो भी इसमें शामिल है जी। बाकी अगर हम बात करें कि यूएसए को फॉलो अप करने के लिए सारी कंट्रीज हैं, दे वांट टू प्लीज यूएसए फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन चाइना अगर उतरा है इसके अंदर, और चाइना और ईरान के बीच में जो रिलेशनशिप है तो सबको पता है जी। अगर चाइना और ये 20 कंट्री इसके खिलाफ रेड सी के अंदर हूती जो मिलिशिया उसके खिलाफ लड़ रहे हैं जिसको ईरान बैक कर रहा है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। That also tells us that कि इनके जो रिलेशन है ईरान के, वो इवन ए कंट्री लाइक चाइना जो उनका स्टांस सपोर्ट रहा है वो भी इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जो शुरुआत हुई है, अगर आप देखिए ईरान का हजीबुल्ला देख लीजिए, उसके बाद इनका यमन के अंदर जो हुती इनके सपोर्टर्स है, उसके अलावा हमास देख लीजिए, ये सबको सपोर्ट कर रहा है और ये पूरी दुनिया को पता है जी। और इस समय जब सी कम्युनिकेशन की लाइन जो है वो थ्रेटन हो गई है और पूरी दुनिया को इससे भारी इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है, तो पूरा विश्व जो है वो एक साथ आके ईरान की जो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। अब आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान को भी इस समय यूएस से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ईरान के साथ रिलेशन को अभी एस्केलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ईरान इस समय आइसोलेट होता जा रहा है। अभी सवाल ये होता है कि वुड देयर बी थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो मैं आप बात कर रहे थे, और यूएसए विल कम ओपनली एंड इनिशिएट अ वॉर अगेंस्ट ईरान, वो अभी शायद नहीं करेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग कर रहे हैं वो दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ईरान को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज को ये दिखाना चाहते हैं कि यूएसए इज द ओनली ग्लोबल पावर। मैं बीच में टोक रहा हूं, थोड़ी देर पहले डॉक्टर राम सर ने एक टिप्पणी की कि यही समय है, सही समय है जब आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोक सकते हो, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो फिर इजराइल और अमेरिका चाहे कोई भी हो फिर ईरान पर रोक कभी नहीं लगा पाएंगे, आप ईरान की तरफ आंख भी टेढ़ी नहीं कर पाएंगे, फिर हिजबुल्ला हमास हुती आपके लिए सरदर्द से भी बड़ा सरदर्द बन जाएंगे। कल पठानिया, बड़ी पुरानी कहावत है राजीव जी की, विनाश वही समय ईरान के साथ हो रहा है। चाइना जो उनका एक बहुत स्ट्रांग सपोर्टर और दोस्त था जी, उनसे भी किनारा कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की न्यूक्लियर पावर का सवाल है, यूएसए ने उनके ऊपर बहुत पहले से सैंक्शन लगा, एंड हु नोज, देखिए इसराइल ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ ना, और उनके पास 80 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब है, पूरी दुनिया को पता है। चाइना अगर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है टू अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए अलोंग विद रशिया, तो दे कैन ऑलवेज डू दैट, एंड हु नोज कि ईरान वो है न्यूक्लियर वेपन, ठीक, बट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट ऑन द लाइन ऑफ इजराइल जी। सर मैं आता हूं आपके पास, फिर आता हूं, मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर राम, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक मिनट में एक जवाब मुझे चाहिए होगा आपसे कि कौन होता है अमेरिका ये फैसला करने वाला कि कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन रखेगा कौन नहीं रखेगा। डॉक्टर राम, हेलो जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अमेरिका पर ये कौन, किसने अधिकार दिया है किसको न्यूक्लियर वेपन रखना है किसको नहीं रखना है, पर हकीकत कुछ अलग ही है। सुरक्षा परिषद में जिस तरह से वीटो पावर लोगों को दिया गया है उसका भी कोई औचित्य नहीं है, कोई नैसर्गिक रूल नहीं है, लेकिन है जिसके हाथ में ताकत है, समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। अभी जो खास इंपॉर्टेंट चीज जो है, तिवारी जी ने भी जैसा कहा, कर्नल पठानिया जी ने भी जैसा कहा, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इस समय हूतीज को रोकना बहुत अनिवार्य हो गया है, और उसका एकमात्र तरीका यह है कि इसी तरह से सब मिलकर जाए। लेकिन भारत ने जो अपने 3 जहाज भेजे हैं उसके पीछे नीति बहुत स्पष्ट है, उनकी नीति ये साफ सुथरी है कि सिर्फ वो जो सोमालिया के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहां जो हमला करते हैं उनको रोकना है। यहाँ बात है जिसको भारतीय डिप्लोमेसी को एक बेहतर तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि चीन वही देश है जो कि पिछले 3-4 सालों से भारत को अलग अलग जगहों पर उलझा करके रखा हुआ है।
युद्ध जैसी सिचुएशन है और ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है, ये डिप्लोमेटिक टेबल्स पर भी लड़ा जा रहा है। माले से जो चीजें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मोहरे हैं जो भारत के खिलाफ चली जा रही है, भारत को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कर्नल पठानिया, मैं डिफेंस लिहाज से चीजों को देखना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपसे। अगर माले में इस वक्त दो देशों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एक चीन का, दूसरा पाकिस्तान का, अगर मैं इसे डिफेंस के लिहाज से देखूं तो हमने देखा कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट आतंक की आग में जलता रहा लंबे समय तक, असम से लेकर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, हर जगह नागालैंड, और उसके पीछे चीन की सोच थी। उसके बाद अगर पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर को देखें तो हमने पंजाब में भी देखा क्या कुछ होता है, हमने जम्मू कश्मीर में आज भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकियों की मदद की जाती है। अब मैं मालदीप के ऊपर आऊंगा सर। मालदीप की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आईएसआईएस की मौजूदगी और आईएसआईएस की विचारधारा वहां पर मौजूद है और कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है केरला के अंदर से जो उस विचारधारा से प्रभावित थे। माले क्या एक नए आईएसआई हेडक्वार्टर के तौर पर आने वाले वक्त में भारत के लिए, खासकर साउथ के लिए, एक परेशानी खड़ी कर सकता है? कर्नल एसएस पठानिया, ये एक अलग एंगल है जिसपे बात होनी चाहिए। देखिए राजेश जी, ये चाइना और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये दोनों हमारे होस्टाइल नेशन, उनकी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अभी अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जिसका एक अहम हिस्सा मालदीव है, और चाइना ने अपनी जो डिजिबुति से लेके अगर आप बात करें, गदावर के बाद आइए बांग्लादेश में कॉक्स बाजार आ जाइए, हम्बन टोटा श्रीलंका में आ जाइए जी, उसके बाद ये मालदीव में आ जाइए, तो ये सराउंड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू स्ट्रेटेजिकल बेसिस एंड मेकिंग इंडिया कमिट टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस। सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल वॉरफेयर। अगर आप देखें गलवान के अंदर हमारे जो 55-60 हजार जो सेना तैनात है जी, उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्च जा रहा है। उसके बाद अगर भारत अपनी जो इकोनॉमिक पावर है वो सी नेवल प्रोजेक्शन में या नेवल के ऊपर भी खर्च करना शुरू हो जाता है, वी कांट रियली अफोर्ड दैट। तो दे आर कमिटिंग अस टू कमिट अवर इकोनॉमिकल सोर्सेज बाय सराउंडिंग अस। अभी श्रीलंका उनके चंदू से थोड़ा निकल रहा है, जो आपने बात की थी आईएनएस करंट वहां पे जो जारी है, सो दैट इज पावर इन द सी। और हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अपने आप को करना पड़ेगा ताकि हम जहां तक अपनी इंटरनल सिचुएशन है उसको भी डील कर सके, और उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन है या जो हमारे फ्रंट है बॉर्डर के ऊपर, हमारी फ्रंटियर के ऊपर भी, उनके लिए भी एक क्रेडिबल डेटरेंस वो क्रिएट कर सके, ताकि किसी भी कंट्री की ये हिम्मत ना हो कि भारत को वो लाइटली ले। न्यूक्लियर, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इज ए डेटरेंस इन इटसेल्फ, बट इन एडिशन टू दैट हमें अपनी जो प्रोजेक्शन है तीनों फोर्सेस की, और इनको हमें कंसिस्टेंटली इनको मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा, वेपन भी प्रोक्योर करने पड़ेंगे, आत्मनिर्भरता के ऊपर भी जाना पड़ेगा, और वो जो डिफेंस एंड रिसर्च वाले जो प्रोजेक्ट है उनको भी लगना पड़ेगा। सो इट इज ए नीड ऑफ ए मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच टू डील विद दिस थ्रेट व्हिच आर वेरी वेरी रियलिस्टिक एट द मोमेंट। ठीक है डॉक्टर राम, लेकिन जो पाकिस्तान के लिहाज से खबर आ रही है, कल ऐसी भी खबरें आई और कि मुजू और जो काकर हैं जो कि पाकिस्तान के अब इस वक्त पीएम है, उनके बीच बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम को खाना नहीं खिला पा रहा है वो कहता है कि हम माले की मदद के लिए तैयार हैं। इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि आईएसआई ऑपरेशन वहाँ वहाँ पर चला सकती है ताकि जो कट्टरपंथी सोच है उसे आतंक में बदला जा सके। ये भारत के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती होगी डॉक्टर राम? बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर आईएसआई का वहां पर अड्डा बन जाता है जिसके कुछ संकेत मिले हुए हैं, तो निश्चित मानिएगा कि भविष्य के लिए ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, दक्षिण के हमारे राज्य जो है इस समय, जो कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं
जो कि भारत की कुछ नीतियों के विरोध है, जो हमको अभी देखने को भी मिल रहे हैं उनके बयानों से। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से। लेकिन जहां तक माले का सवाल है, वहां के उनके विपक्ष के लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत से आप दुश्मनी मत रखिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर एक रात गुजारी है, उसी में उनकी हवा निकल गई है, पर्यटन एकदम कम हो गया है और वो उसी कगार पर आ जाएंगे जिस कगार पर आज पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान का असली मकसद क्यों, पाकिस्तान जो है अगर आर्थिक मदद देगा ये हंसने के अलावा और कोई बात नहीं है, लेकिन असली में पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, चुनाव में भी हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया जानती है कि वहां की आर्मी का इंटरेस्ट यहाँ पर है। आर्मी का इंटरेस्ट क्या है, बड़े बड़े रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स ने वहां पर इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ होटल्स उनके हैं, ऐसा कहा जाता है 8-12% तक माले के जो होटल हैं उनमें पाकिस्तानियों का, जो बड़े बड़े अफसरान हैं रिटायर्ड, बाजवा साहब भी थे और दूसरे लोग, उनके वहां पर मुनीर का भी वहां पर इन्वेस्टमेंट है। तो यही एक कारण है कि उनका उसमें रुचि है। रहा सवाल ये कि माले का ये आरोप कि उनके जहाज पर हमारे कोस्ट गार्ड ने चढ़कर अटैक किया, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। विदेश मंत्रालय ने निश्चित रूप से उसका समुचित अपने चैनल से जवाब भी दिया गया होगा। हालांकि ये बात सही है कि एक समझौते के अनुसार मई तक हमारे वहां से सिपाही रिप्लेस हो जाएंगे, किन से, सिविलियन से, अब वो सिपाही नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो सिपाही है या नहीं है हमारी उपस्थिति वहां बनी रहेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि जिन नावों को जो मछुआरे थे जिनको कोस्ट गार्ड ने चेक किया, ये तो रूटीन काम है, क्योंकि जो ड्रग्स माफिया काम कर रहा है इन्हीं मछुआरों के कारण तो कर रहा है, तो हम तो सर्च करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अगर हमारे देश में इस समय नशा का जो एक नक्सल काम कर रहा है उसको रोकने के लिए हमारी कोस्ट गार्ड तो बराबर वो ले, ठीक है, क्षणिक मामला है जी। और माले को घुटने घुटने आकर रुकना पड़ेगा और भारत से माफी मांगना ही। मैं बस एक सवाल आपसे डॉक्टर राम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा का। लक्षद्वीप हमारा हिस्सा है, हमारे प्रधानमंत्री के जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और हम उसे उसका आधुनिक उसे बनाएं, अच्छे अच्छे रिसोर्ट वहां पे बने, लोग जाएं, ये भारत की बात है। लेकिन ये पेश करना कि ये मालदीप के वंशपत हो रहा है, खिलाफ में हो रहा है, क्या ये एक गलत मैसेजिंग नहीं है? देखिए, गलत तो इसको डिप्लोमेटिक भाषा में तो हमने उनको टिट फॉर टैट का जवाब दे दिया, क्योंकि डिप्लोमेसी में जो है दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है और करना कुछ पड़ता है। तो जो प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये बहुत दूरगामी है जी। देश की प्रगति विकास के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन देश की प्रगति बुलबुला रहा है, आज चीन भी फड़फड़ा रहा है, क्यों फड़फड़ा रहा है? भारत ने जिस रफ्तार के साथ हिमालय में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अपनी फौजें तैयार की हैं, हथियारों का जो संग्रहण किया बस है। 30 सेकंड में डॉक्टर राम एक और जवाब चलते चलते, क्योंकि मुझे फिर ब्रेक पे जाना है, कि अगर वहां पर अब हमने मालदीप को खुला छोड़ दिया तो वहां पे अब बीजिंग बैठ रहा है, आके इस्लामाबाद वहां पर बैठेगा, रावलपिंडी वहां पे बैठेगा, तो क्या ये भारत के लिए टेंशन की बात नहीं है? भारत के लिए टेंशन की बात उस समय होगी जी जब वहां पर कोई मिलिट्री एक तरह से बेस बन जाए, जो कि बनना असंभव है। माले का जो मालदीप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, अगर वहां की ज्योग्राफी देखेंगे, वैसे ही मालदीप जो है अगले 25 साल के भीतर बाकी 30% जमीन जो है समुद्र में डूबने वाली है, तो माले को तो पूरी तरह से में ऐसा है कि पहला ऐसा देश है, पहली ऐसी सेना जिसके पास एक देश है संभालने के लिए। देखिए, पाकिस्तान अगर सेना की एस्टेब्लिशमेंट जिसको बोला जाता है, वो बहुत पावरफुल एंटिटी है, एंड एक बड़ी पुरानी कहावत है, दोज हु लिव बाय द सोर्ड डाई बाय द सोर्ड जी। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी लेके आई एज ए पपेट, और जब पपेट थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, इससे पहले नवाज शरीफ ने जब बोलना शुरू किया इमरान खान को ले आए, इमरान खान ने बोलना शुरू किया अभी नवाज शरीफ को ले आएंगे जी। तो इनके लिए विन विन सिचुएशन है हर किसी में, और पपेट्स की कमी नहीं है।
दूसरा अगर आप इनकी इंटरनल हालत देखें, आप खैबर पख्तूनवा चले जाइए, बलूचिस्तान चले जाइए, उसके बाद इनका टीटीपी के साथ, इनका अफगानिस्तान के साथ, तो जियो पोलिटिकली भी ये बुरी तरह से आइसोलेटेड हो चुके हैं। और जहां तक वायलेंस की सवाल है, मेरी अपनी जो सोच है, दे विल बी लिमिटेड वायलेंस बिकॉज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मेन कार्डन है, उनके लाखों वर्कर जो है, दे ऑलरेडी बैंड अफ्रीका, बिल्कुल, तो इसको इलेक्शन पाकिस्तान में बोला नहीं, इसको दे आर कॉलिंग इट ए सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है 8 तारीख को पूरा हो जाएगा, नवाज शरीफ आएंगे कुछ देर के लिए, या उनका कोई चुनाव हुआ, उनकी फैमिली का कोई बंदा आएगा जी, और 2-3-4 साल के बाद फिर ये देखिए, फिर वो ये गेम चलती रहेगी, प्लेयर बदलते रहेंगे, पपेट बदलती रहेगी। तो वन कैन ओनली फील दैट इट्स यू नो लिटिल कंसर्न अबाउट पाकिस्तान और खासकर उनकी जनता के लिए, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। अब ये डिपेंड मुनीर पे करता है कि उन्हें सिलेक्ट किसे करना है। डॉक्टर राम, पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं है जी, ना आज है ना आगे रहेगी। मैं तो एक शब्द में उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में शुरू से ही डेमोक्रेसी रही है और आज ही वही डेमोक्रेसी हावी हो रही है, और निश्चित मानिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज ही एक उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा हुआ था उसको गोली से अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया, और इस बात की पूरी संभावना है कि कम से कम 28 इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पर 8 तारीख के पहले से ही हिंसा शुरू हो जाएगी, और चुनाव जो है कहीं ऐसा ना हो रद्द करना पड़े, ये संभावना भी कई लोग बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानिएगा कि तमाशा देखिए आगे क्या होता है। राज सवाल ये कि हमारी जो भूमिका उसमें है उस पर हमको सख्त नजर रखना है, और भारत अपनी नजर उस पर रखे हुए है निश्चित रूप से, क्योंकि आतंकवाद वहां इतनी परेशानी के बाद भी पनप रहा है और पाया जा रहा है, उसका उदाहरण ये देखने को मिला। हमारे यहाँ अभी एक ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। तो देखिएगा पड़ोस में जब गड़बड़ होती है तो उसकी खटपट की आवाज हमारे यहाँ भी आती है, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, कर्नल SS पठानिया सर बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो पाकिस्तान में 8 तारीख को चुनाव है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, और डिपेंड जनरल मुनीर पे है कि किसके सर पे हाथ वो रखते हैं। जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो ही पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.